हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जो मैजिक टैरो। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम लोग देखेंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के आपके सिम्टम्स क्या होते हैं जो आपके साथ होते हैं। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में है, और ट्विन फ्लेम कार्मिक सोलमेट प्लेलिस्ट में मैंने बनाया हुआ है, उसमें आप चेक कर सकते हो। अब ये देखते हैं कि आपके सिम्टम्स क्या होते हैं जब आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ एम्प्लीकेशन ऑफ सेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो सेंसेस हैं, आपके सेंसेस होते हैं आइज, नोज, टंग, ये सारी चीज़ें आपकी सेंसेस होती हैं। आपका टच जो हो गया, आपका स्मेल हो गया, ओके, यू मे डिस्कवर दैट यू आर हाइपर सेंसिटिव। आप हर चीज़ सेंस कर सकते हो। कोई आपके साथ बुरा करने वाला है, आपको सेंस हो जाएगा, यू कैन स्मेल दैट। कोई आपके साथ बुरा करना चाहता है, गलत करना चाहता है, तो वो आपको पता चल जाएगा। कोई कोई गलत तरीके से आपको टच करेगा तो आपको पता चल जाएगा। आपकी जो हियरिंग की शक्ति है वो काफ़ी तेज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि कोई काफ़ी दूर से भी कुछ भी बोल रहा है तो आपको समझ आ जाएगा, या कोई आपके लिए बुरा सोच भी रहा है तो वो भी आपको सेंस हो जाएगा इन द फर्स्ट टाइम। यू विल बिकम हाइपर सेंसिटिव। नेक्स्ट पॉइंट, आपको जो फूड है, जो आप खाते हो, जो भी आप फूड खाते हो, उसमें जो अभी पहले खाते थे उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक होगा, जैसे करेला, करेला खाने का मन करेगा आपको। आप सोचोगे कि यार मैं तो करेला खाता ही नहीं हूँ, पता नहीं मुझे क्यों करेला खाने का मन कर रहा है, क्यों मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने का मन कर रहा है, क्यों मुझे ऐसी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, हेल्दी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, मैं तो ये सब नहीं खाता हूँ, मुझे सांभर खाने का मन कर रहा है, जबकि मुझे तो बहुत ही स्पाइसी खाना पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाबी खाना बहुत पसंद है, वाई आई वॉन्ट टू चेंज दैट। ऐसे बहुत सारी चेंजेस फूड के साथ आपके अंदर आएंगी और आपको दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़, आपको बहुत सारी एलर्जीज हो सकती हैं कुछ फूड से, कुछ जो खाने के आइटम्स होंगे, सोई, वीट, कोई स्पाइसेस हो गए, उससे आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी होने लग जाएगा, आपके बॉडी में रैशेस होने लग जाएंगे या छोटे छोटे ऐसे मार्क्स बन जाएंगे। आपको पता लगेगा कि आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज़ चेंज स्लीपिंग पैटर्न्स। स्लीपिंग पैटर्न्स, आपके सोने का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, इन द सेंस कि आप अगर 11 बजे सोते थे, आप 10 बजे 9 बजे सो जाओगे, और आप उठोगे कब, सुबह जल्दी 5 बजे उठने लग जाओगे, 4 बजे उठने लग जाओगे, 3 to 4, 3 to 5 आपकी आँखें खुल जाएंगी, आपकी आँखें 4 to 4:30, 5 o'clock तक खुल सकती हैं, जिस टाइम में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही होगी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की भी अवेकनिंग हो रही होगी, सो यू विल गेट अप एट दैट टाइम, ओके, उस टाइम में आप उठने लग जाओगे बहुत ज़्यादा। आपका जो स्लीप है, आपका जो नींद है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है इस टाइम पे, बहुत ही नींद कम आना, 7 घंटे सोना, 6 घंटे, 5 घंटे से ज़्यादा आप सो नहीं पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा इंसोमेनिया की प्रॉब्लम रहेगी, नींद बहुत कम आएगी, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी नींद आपकी। आपकी अवेकनिंग जब चल रही होगी ये सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे, आपकी नींद में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहेंगे, आप बहुत परेशान होंगे कि मुझे 8 घंटे की नींद भी नहीं मिल पा रही है, क्यों, वाई, बिकॉज आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़, यू विल हैव विविड ड्रीम्स। विविड ड्रीम्स का मतलब होता है बहुत ही स्कैरी ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स में बहुत स्कैरी चीज़ें आना, डरावने भूत के सपने आना, बिजार सपने आना, इंटेंस सपने आना, बहुत बुरे बुरे सपने आना, भूतों के सपने आना, डरना, बहुत डर लगने लगेगा। आप सुबह उठ जाओगे 3 बजे 2 बजे, आपकी नींद खुल जाएगी, एकदम से भूतों के सपने आएंगे, ऐसा लगेगा कि किसी ने आपके ऊपर हाथ ऐसे फेर दिया हो, ऐसा लगेगा आपको, आपको लगेगा कि बहुत भूत भूत यहाँ पे हैं इस रूम में, चीज़ें गिरने टाइप का लगेगा आपको, कुछ भी गिर जाएगा तो आपको लगेगा कि भूत है, बहुत सारी वो हो रहे हैं, बिकॉज आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिजीनेस। आपको बहुत उल्टी फील होगा, आपको
अंदर से बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील होगा, डिजीनेस फील होगा थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में। आपको बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड फीलिंग होगा, बहुत लाइट लाइट सा फील होगा, वो जो हैवी हैवीनेस है बहुत ज़्यादा दिल में जो हैवी रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा आपके साथ डे टू डे में, रोज़ के दिनचर्या में थोड़ा सा लाइट सा फील होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेट चेंज। आपका जो वेट है उसमें वेट गेन हो सकता है बहुत ज़्यादा, आप बहुत हेल्दी हो सकते हो उस टाइम पीरियड में, या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा घटने लग जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा और आपको लगेगा कि यार ये मेरा वेट इतना घट क्यों रहा है या वेट इतना बढ़ क्यों रहा है, बिकॉज आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही होगी। तो उस टाइम पीरियड में आपका वेट ज़्यादा बढ़ सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम पीरियड में, सो आपका भी बढ़ सकता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, यू हैव टू गो फॉर अ वॉक, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज्ड ईटिंग हैबिट। पहले जो आपको बहुत पसंद हुआ करता था वो सब चीज़ें आप छोड़ दोगे, आइसक्रीम खाना छोड़ दोगे, आपको अगर ड्रिंक करना बहुत पसंद है वो छोड़ दोगे, स्मोकिंग छोड़ दोगे, गलत चीज़ें छोड़ दोगे। ईटिंग हैबिट्स में जैसे आपके ईटिंग एंड ड्रिंकिंग में आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो बहुत ज़्यादा वो छोड़ दोगे, चिप्स खाते हो वो छोड़ दोगे, जितने भी जो चीज़ आपके सिस्टम को ख़राब कर रही है उन सबको आप छोड़ दोगे एंड आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओगे। आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाने लगोगे, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें खाने लगोगे, वेजिटेबल्स खाने लगोगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने लगोगे, जिससे आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहे। वो सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको खुद ही दिखेगा, आपके ईटिंग हैबिट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा ग्रीन चीज़ें खाने लगोगे। आप वो भी फूड ट्राई कर सकते हो जो आपने पहले कभी खाया ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पपाया पसंद नहीं है, आपको एलर्जी है पपाया से, बट वो पपाया खाने लग जाओगे आप, या फिर कोई ऐसा फ्रूट हो जो आपको पसंद ना हो, एप्पल हो गया, डेली एक एप्पल खाने लग जाओगे आप, वो जो जंक फूड है वो सब छोड़ दोगे, टिक्की खाना, आलू की चीज़ें खाना, आलू से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है वो सब आप छोड़ दोगे, यू विल लीव दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्लक्चुएशन इन योर एनर्जी। आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत घट जाएगा, जब आप बहुत ही ज़्यादा थका थका फील करोगे, बहुत लेज़ी फील करोगे दिनचर्या में, डेली जो आप सुबह उठते हो आपको सुबह से ही आपकी एनर्जी बहुत लो होगी और शाम होते तक आप बिल्कुल ड्रेन हो जाएगी आपकी एनर्जी, और अगर आप लाइट वर्कर हैं तो आपकी एनर्जी बहुत कम होती हुई आपको दिखेगी, जितनी जितनी आप रीडिंग्स करते जाओगे उतनी उतनी आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सो आपको उसका ख्याल रखना है, जब आपको रेस्ट लेना है आप रेस्ट लीजिए, और रेस्ट लेने के बाद आपको जो भी करना है वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, बट आपको बहुत ध्यान रखना है अपने एनर्जी को लेके। जब भी आप किसी को कोई रीडिंग दे रहे हो या ले रहे हो, वो एनर्जी लेते भी हैं वो एनर्जी देते भी हैं हम, सो हमारी एनर्जी ऐसे किसी और के पास भी चली जाती है। सो आपको बहुत ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है, अपने आप को सेव करके रखना है इन सब चीज़ों से। डिक्रीज्ड एंड इंक्रीज्ड सेक्स ड्राइव। आपका जो सेक्स ड्राइव होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा इस टाइम पीरियड में, और बहुत सारे लोगों के लिए वो कम हो जाएगा, बहुत कम, जो लोग मैरिड हैं, जो बहुत एजड हैं 40-45, उनकी बहुत कम हो जाएगी, और जो यंगस्टर्स हैं उनकी सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा हो जाएगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। आपका पैशनेट रिलेशनशिप हो सकता है इस टाइम पीरियड में किसी के साथ, सो ये सारी सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिक्रीज्ड इम्यून सिस्टम। डिक्रीज्ड इम्यून सिस्टम का आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाओगे तबीयत खराब में, बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाओगे डायबिटीज़, बैकएक, हेडेक, सर में दर्द, गले में दर्द, हाथों में दर्द, पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, एंड आईसाइट वीक हो जाना आपका, आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम आ जाना। आपको इवेंचुअली धीरे धीरे अपना इम्यून सिस्टम बढ़ता हुआ भी नज़र आएगा आगे जाके, बट एक टाइम पीरियड में जब आपकी अवेकनिंग चल रही होगी तब आपका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो जाएगा, आपको खुद लगेगा कि मैं बहुत बीमार हो रहा हूँ, मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे घर जाना चाहिए, ऑफिस नहीं जाना चाहिए, या आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, आज मैं
कॉलेज नहीं जाऊंगा, मेरे को बहुत ही ज़्यादा इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम लग रहा है, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी इस टाइम पीरियड में, आपके पैंक्रियाज वर्क करना बहुत कम भी हो सकता है, आप हाइपर डायबिटिक भी हो सकते हो, डायबिटिक बहुत ज़्यादा हो सकते हो इस टाइम पीरियड में। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, वॉक करना है, अपना ख्याल रखना है, और कार्मिक लोगों से स्पेशली दूर रहना है इस टाइम पीरियड में। अपने अवेकनिंग के टाइम में आपको वो सारे सिम्टम्स दिखाएगा डिवाइन कि आपका कार्मिक कौन है और आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम कौन है, और आप चेंजेस देखोगे और डेफिनेटली आप उसमें से निकलने की कोशिश करोगे। आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, मुझे इसमें से निकलना चाहिए, और जो लोग आपको बुरा कर रहे हैं डी क्लटर कर दोगे आप उन सब लोगों को जिन्होंने आपकी लाइफ ख़राब करी है, ये भी एक पॉइंट है। सो ये सब कुछ आ जाता है इसमें। ओके, सो दीज आर द 10 पॉइंट्स ऑफ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिम्टम्स। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखे डेफिनेटली आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे अभी राइट नाउ हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सो आई होप ये आपको बहुत 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 पसंद आया होगा ये वीडियो, एंड इफ़ यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम और ईमेल। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।